प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार की गई आईएएस पूजा सिंघल के मोबाइल से कई गोपनीय जानकारी मिली है। उनका व्हाट्सएप खोल लिया गया है। वहीं एक एक चैट की बारीकी से जांच की गई है, जिसमें बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। हालांकि अभी पूजा सिंघल को व्हाट्सएप चैट संबंधित कई सवालों के जवाब दिए हैं। सोमवार को आईएएस पूजा सिंघल को अदालत लेकर पहुंची जांच एजेंसी ने कहा कि उनके मोबाइल को ईडी ने जब्त कर व्हाट्सएप चैट आदि गोपनीय जानकारी जुटाने के लिए केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला दिल्ली भेजा था। वहीं मोबाइल की जांच पूरी हो गई है। इसमें कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई है। व्हाट्सएप चैटिंग पर पूजा सिंघल से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही सारा सच सबके सामने आएगा। सोमवार को रांची की विशेष अदालत में ईडी ने इस तरह के कई अहम जानकारियां दी। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, उनके सीए सुमन कुमार और दूसरे सहयोगियों ने ईडी की पूछताछ में इसे स्वीकार कर लिया है। पूरे रैकेट का खुलासा करने के लिए ईडी को थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। ईडी के विशेष जज पीके शर्मा के आवासीय कार्यालय में एजेंसी ने आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पूरी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। एजेंसी की ओर से केस की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने अपने तर्कों के जरिए पूजा सिंघल और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए चार चार दिनों का रिमांड हासिल कर लिया। अब वे 20 मई तक ईडी की रिमांड में रहेंगे, जहां उनसे भ्रष्टाचार के मामले में आगे की पूछताछ होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।